हिसार के हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में एकजुटता का संदेश लेकर निकली परिवर्तन बस यात्रा की हिसार पहुंचने पर पोल खुल गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं की एकजुटता दिखाने के लिए गुरुग्राम से प्रारंभ हुई परिवर्तन बस यात्रा के हिसार पहुंचने पर दूसरे दिन हिसार के कांग्रेस भवन में कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई यात्रा का स्वागत करने में नदारद रहे। परिवर्तन यात्रा में आए नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारा लगाने से नहीं चूके। यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद को यह कहना पड़ा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के लिए पहले से तय नहीं किया जाता। कुछ लोग हुड्डा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए हरियाणा की कमान हुड्डा को सौंपने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व सांसद नवीन जिंदल, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, जयवीर वाल्मीकि, राज्यसभा सदस्य कुमारी शैलजा सहित अन्य नेतागण मौजूद थे। हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे नेता दिन में 5 बार सूट नहीं बदले, ताकत हमारे सिद्धांतों में है, हम देश प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं, हमारी भाजपा से कोई या उनके नेताओं से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के गुणों की तारीफ करता हूँ। वाजपेयी जी के नेतृत्व में राजनीति थी, आज वह समाप्त हो गई है। वर्तमान प्रधानमंत्री का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। गांधी जी से ज्यादा सीधा साधा तो कोई आदमी हो नहीं सकता। गांधी जी आज के प्रधानमंत्री की तरह 5 सूट दिन में तो नहीं बदलते थे। गांधी जी इतने हवाई जहाजों का इस्तेमाल तो नहीं करते थे, लेकिन गांधी दुनिया में मशहूर है और हमारे प्रधानमंत्री का टाइम टाइम फिश 1-2 साल में ही हो गया। अब वो जो इज्जत बनाई रखी है वो टेलीविजन की उनको रोज पूजा करनी चाहिए, उसके जरिए वो चला रहे टेलीविजन, न दिखाए उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ताकत हमारी जो है वो हमारी सिद्धांत है, इसलिए जो सिद्धांत हो तो कोई मतलब नहीं रखता है कौन उसके ऊपर है। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है बीजेपी, कोई व्यक्ति की लड़ाई मोदी जी के साथ। क्यों इतने ऊब गए लोग मोदी जी के से? अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो प्रधानमंत्री बीजेपी थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी साहब से 10 गुना बड़े लीडर, 10 गुना बड़े स्पीकर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो भाजपा थी पॉलिटिकल थी, हमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं उनसे, लेकिन उनके काम करने के तरीके, क्योंकि एक तो वो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, वो अपने साथियों पे भी विश्वास नहीं करते, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भी नहीं पता। उनके मंत्रिमंडल वाले जब हमसे मिलते हैं पार्लियामेंट में, विपक्ष के नेता के द्वारा मुझे राज्यसभा में बड़े नजदीकी से उनको देखने का मौका मिलता है, वो कहते हैं आपको बधाई देते हैं, आप तो बड़े धन्य हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं, आप कम से कम पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर गाली दे सकते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते, वो हमसे ज्यादा ऊपर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि परिवर्तन सड़कों पर घूमने से नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 3 साल में केवल 30 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संविधान की बात ना करके मन की बात पर भी विश्वास करते हैं, जो कि देश हित में नहीं है। लोगों का भाषण से पेट नहीं भरता। आज छोटे छोटे उद्योग निर्माण कार्य कारोबार बंद हो गए हैं। नोटबंदी व GST से 4 करोड़ से अधिक लोग का रोजगार चला गया है। तो आज मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, इस बात में जाएंगे तो घंटों लगेंगे। ये इस यात्रा का मकसद है परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन हमारी सड़कों पर घूमने से नहीं होगा। जो बड़े शहर हैं ओपिनियन मेकर्स, आप जो है ओपिनियन मेकर्स, आपका स्वभाव किसी का 2,000, 3,000, किसी का 1,000, किसी का 500 हो सकता है। तो उनको जी परिवर्तन लाने के लिए आपने तैयार करना, जब हर लेवल पे तैयार हो। आज किसान खुश नहीं है, आज नौजवानों की बेरोजगारी है। अभी तक इस तरह के 5-6 विभाग हैं जहां गरीबी कितनी बड़ी, गरीबी कितनी दूर हो गई, ये वो विभागों के हिस्से बंद कर दिए। अब जो मोदी जी कहेंगे अपने मन की बात को हमको सुनना और उसमें यकीन करना,
ये देश के लिए ठीक नहीं। जो सर्वे करते हैं कांग्रेस, उनके अनुसार जीएसटी और नोटबंदी से 4,73,00,000 रोजगार मिले। अब अंदाजा करिए, दिया तो आपने कुछ नहीं, लेकिन 4.5 करोड़ दिए, उसके लिए प्रोग्राम है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा या विदेश का दौरा करते हैं या 5 साल से विधानसभा और पार्लियामेंट का और म्युनिसिपैलिटी का प्रचार करते हैं, तो प्रधान देश कौन चला रहा, देश अफसर चला रहे। तो ये बुनियादी मतभेद है, या हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव आप लोग करेंगे, हम अकेले मिलकर नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी को बहाल आप लोग, हम मिलकर करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश जो कभी एक नंबर पर था, आज चोरी डकैती और अराजकता में एक नंबर हो गया है। प्रदेश में किसान मजदूर कर्मचारी सब दुखी है। किसान की फसल की लागत बढ़ रही है जबकि उसके दाम कम मिल रहे हैं। व्यापारी सहमा हुआ है, हर व्यक्ति डरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रदेश में सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चीन का हाजमा बहुत तेज है। भाजपा ने झूठे सपने दिखाकर सत्ता हासिल की। 2014 से पूर्व हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में एक नंबर पर था। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में फूट नहीं है, देश को अच्छे प्रधानमंत्री की जरूरत है। यह समय है एक होकर, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, झूठे सपने दिखाकर सत्ता में। आज इनसे हिसाब लो, पूछो कि 5 साल पहले क्या वादा किया था भाई, कौन सा वादा किया हमारे ऊपर पूरा किया बता दो, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हाँ, वादा पूरा किया हो तो वोट लो, तो किस वास्ते पहुंचा रहे। आज कोई मतलब कानून व्यवस्था नाम की चीज तो कोई है नहीं। रोज देख रहे हैं आप कितने कत्ल, आप कितने डाके, कोई सुरक्षित नहीं। आज हर व्यक्ति डरा हुआ महसूस करता है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ऐसी जो कानून व्यवस्था की स्थिति हुई, जो 2014 में जिस प्रदेश को हमने प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक छोड़ा था, आज हरियाणा कहाँ भाई 5 साल में, आज कहाँ पहुंच गया हरियाणा, आज कहाँ आप स्वयं देख रहे हैं, कहीं नंबर नहीं हरियाणा का। आज नंबर आता है तो हरियाणा का ऊपर नंबरों में अपराध में आता है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाई, आज चुनाव है, जहाँ तक सवाल राहुल गांधी का है और कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं। कांग्रेस हिसार एसी अमित वर्मा।